चलो 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 करो दा को सलाम करो। रमजान मुबारक। हगी करो दा को। कल से रमजान है। कल रोजा है ना। कल रोजा है। सबको बुलाओगी। ये आ गया रमजान का चांद का आ रहा है। पहला रोजा होगा कल। हटो चलो हटो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब रमज़ान बहुत 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 अच्छे जाएँ और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे कि सब पूरे रोज़े रखें। और मेरी मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान की बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आप सबको दिखाए, हमें भी दिखाए और हम सब के रमज़ान बहुत अच्छे जाएँ, बहुत 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 अच्छे जाएँ हम सब के रमज़ान। यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था बच्चों का और टीवी का इन सब चीज़ों का, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये मैंने न्यू फ्राई पैन निकाला था क्योंकि अब मुझे ज़ीरा वगैरह भून के रखना है, साबुत धनिया भून के रखना है, चूल्हों का मसाला बना कर रखना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें करनी जो रमज़ान से पहले ऑलमोस्ट सब कर लेना चाहिए क्योंकि फिर जब अफ्तार का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा हपड़ थपड़ हुई भी होती है, जल्दी सब बनाना होता है, फिर रोज़ा भी होता है तो बस ये होता है जल्द से जल्द बन जाए सब चीज़ें। और फिर मैं बनाने वाली अकेली हूँ तो मुझे सब चीज़ें पहले से बना के रख लेती हूँ। मैं छोले बॉईल करके रख लेती हूँ, ये छोटे मोटे काम करके रख लेती हूँ, रोल वगैरह बना के रख लेती हूँ, सब फ्रीज कर देती हूँ ये। और मैंने ज़ीरा भूना था, फिर उसके बाद मैं धनिया भूनूंगी, इन दोनों को ब्लेंड करके एक जार में भर के रख लूँगी, दिखाऊँगी वो मैं आप लोग को आगे। ये मैंने ज़ीरा भूना था, जल्दी जल्दी मैंने ज़ीरा भूना इसको। और फिर ये भूनने के बाद मैंने उसको फिर प्लेट निकाली, उसको मैंने साफ़ करा, सुखाया प्लेट को ताकि अगर ज़रा सा भी गीला ज़ीरा या धनिया चल जाता तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फ़ौरन ही अजीब से हो जाता फिर वो, यानी कि वो मज़ा नहीं आता इन सब चीज़ों में। फिर ये ज़ीरा भून गया था और ज़ीरे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी ज़ीरे की, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे वैसे भी पसंद है ज़ीरे की खुशबू, भुनी हुई ज़ीरे की खुशबू। ये बस मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी। और आप लोग बताना मुझे आप लोग क्या क्या करते हो रमज़ान में, क्या क्या प्रिपरेशन करते हो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली को आगे बढ़ाएं, यूट्यूब फैमिली को। और इंशाल्लाह मैंने कोशिश करूँगी कि रमज़ान के मैं व्लॉग्स डालूँ अच्छे अच्छे बनाकर। और मैंने रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें ऑर्डर करी हुई यार, वो अभी तक नहीं आई हैं। मुझे थोड़ा चीज़ों को डेकोरेट करना था तो वो चीज़ें अभी तक नहीं आई था कि बच्चों को पता चले, ऐसा ना रमज़ान ख़त्म हो जब आए, क्योंकि उसमें अभी आने में थोड़ा टाइम है, मेरे लेट हो गई मैं करने में उसको ऑर्डर। अभी यहाँ पर मैं ज़ीरा साबुत धनिया भून रही हूँ, साबुत धनिया भी भून के रख लूँगी, ज़ीरा साबुत धनिया एक अलग जार में भून के रखूँगी, इससे यार बहुत ईजी हो जाता है मिक्स पकौड़ों में डालने के लिए, क्योंकि मैं ज़ीरा भी डालती हूँ और ये साबुत धनिया भी डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मिक्स पकौड़ों के अंदर। और मैं वो भी बना के रखूँगी छोलों का मसाला जो कि मेरी अम्मी बनाती थी, वो मैं आगे आप लोग को बताती हूँ किस तरह बनेगा। मैंने यहाँ पर आप लोग से बहुत सारी बातें करी थी लेकिन वो नॉइस आने लगा, पीछे शोर आने लगा तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये ज़ीरा भी जल्दी से हो जाएगा।
मैंने ये जार में कन्वर्ट कर लिया। एक तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ी वीडियो कट भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो बस बार बार थोड़ा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये छोलों का मसाला बना रही हूँ और मेरी साबुत सारी मिर्चों के अंदर पता नहीं कैसे कीड़े इधर हो गए। एक तो यार इन कैबिनेट्स के अंदर इतनी जल्दी कीड़े हो जाते हैं, हालांकि अब मैं ज़्यादातर मसाले और दालें जो फ्रिज के अंदर रखने लग गई हूँ इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा कीड़े होने लग गए। मेरी मैंने मिर्च निकाली साबुत तो उसमें सब में कीड़े हो गए थे, तो फिर मैंने उसको रख दिया था साइड में। मैंने फिर मेरे जो साबुत कुटी हुई मिर्च होती है फिर मैंने उसको भूना, क्योंकि मैं कुटी हुई मिर्च का भी ज़्यादातर जो है घर के अंदर ही बनाती हूँ साबुत मिर्चों से, तो फिर मैंने उसको ही भून लिया था। ये साबुत मिर्चें भुनेंगे और कुटी हुई धनिया भी मैंने भून लिया था, ज़ीरा भी मैंने भून लिया था। फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ, धनिया मिर्च को मैंने ज़्यादा नहीं भुना था, हल्का सा भुना था। ये बस जल्दी से मिर्च भी मैं भून लूँगी, ऑलमोस्ट हो गई है। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी। इसमें बस जाना है काला नमक, और नमक जाना है, नमक भी आप बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने मिक्स कर दिया था इस वक्त। काला नमक और नमक इसको पहले मैं ब्लेंड कर लूँगी, फिर इसके बाद काला नमक और नमक इसके अंदर डाल दूँगी, बस हो जाएगा। छोलों का मसाला भी फिर इसमें भी बहुत जल्दी हो जाता है, छोलों में ये भी भूनना नहीं पड़ता, सब चीज़ें कुछ नहीं करना पड़ती। ये मेरी अम्मा का है जो अम्मी हमेशा से बना के रखती थी रमज़ानों में, ईद स्पेशल छोलों के लिए। ये तो बस हम सारी बहनें अभी तक ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं अम्मी की, और इससे बहुत अच्छा ज़ायका आता है। आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा इसका ज़ायका आता है। ये हो गया ब्लेंड इसको, अब बस इसके अंदर मैं आपको ये दिखा रही थी, देखेंगे ऐसा होगा। और मैंने बहुत सारी बातें करी थी तब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैं रात के 1:30 बजे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सहरी में भी उठना है 4:30 बजे, 4 बजे, और मैं ये अभी कर रही हूँ। इस दफ़ा के मुझे ना रमज़ान थोड़े वो लग रहे हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है पहली दफ़ा, तो देखो रूटीन कैसे सेट होती है, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। और मौसम तो अभी तक तो अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ा मौसम अच्छा है, ना सर्दी ना गर्मी है, मज़े वाला मौसम है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह रोज़े भी सबके अच्छे जाएँ, अल्लाह करे, और अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे अपनी बारगाह में। और बस जल्दी से अच्छे से रमज़ान हो जाए और हम अच्छे से अपने रमज़ानों को गुजारें, स्पेंड करें। और ये मैंने ना बड़े जार में गलती से डाल दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा पूरा ज़्यादा तो था लेकिन ये जार काफ़ी बड़ा है तो इसमें नहीं आ रहा था, अजीब सा हल्का हल्का सा लग रहा था, यानी कम कम लग रहा था। फिर मैंने दोबारा इसको छोटे जार में कन्वर्ट करा तो उसमें फिर सही आया था ये। अभी अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर बीच में मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा ये, तो मैं आप लोग को ये दिखा रही थी। फिर मैंने चेंज कर दिया था जार अपना। आप लोग बताना मुझे आप लोग क्या क्या करते हो रमज़ानों में, किस तरह से अपने रमज़ान को और रूटीन को सेट करते हो, रमज़ान में क्या क्या प्रिपरेशन करके रख देते हो पहले से ही, और क्या क्या मज़े मज़े के खाने बनाते हो, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और जो मेरे नए मेंबर्स जुड़े तो वो भी मुझे बताइएगा, और जल्दी जल्दी मेरी फ़ैमिली को बढ़ाएं यार, यूट्यूब फैमिली को। अभी तक बस मेरे 47 हुए, बढ़ ही नहीं रहे। खैर मैं वीडियोस भी इतनी नहीं डालती, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं डालती हूँ। अभी तो बीच में अब्बू आए हुए थे तो अब तो अब्बू भी चले गए, तो मैंने उसमें ज़्यादा वीडियोस बनाई ही नहीं, बल्कि ज़्यादा क्या मैंने बनाई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रहा था, सब जगह आना जाना, बच्चों का स्कूल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ चल रही थी, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो अबू भी 1 मंथ रह के गए, चले गए हैं अबू, इसलिए आपको अबू को अबू नज़र नहीं आएंगे हमारे साथ रमज़ान में। और हसन की भी टाइमिंग यही है, वो भी अफ्तार के बाद आएंगे, सहरी में नज़र आएंगे वो भी, बस अफ्तार में बस उस दिन नज़र आएंगे जिस दिन हसन का ऑफ होगा। ये इसमें मैंने नमक डाल दिया था। हाँ मैं ये जार्स लेकर आई थी रमज़ान के लिए, लेकर आई थी मैं अपने ये जार्स, मुझे चाहिए थे कांच वाले ना काफ़ी टाइम से, तो मैं हसन को बोल रही थी कि मुझे ये जार चाहिए, तो फिर मुझे हसन ने दिलाए थे, तो मैंने रमज़ान के लिए रखे हुए थे कि रमज़ान शुरू होंगे तो मैं इसमें चीज़ें डालूँगी, तो बस मैं इसमें सब चीज़ें डाल रही थी।
इसमें मैंने चीनी डाली है और दूसरे वाले जार में मैं जो वो डालूँगी पत्ती डालूँगी। और ये काफ़ी लंबा ब्लॉक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉक हो रहा है, तो मेरे पास बातें भी ख़त्म हो जाती हैं करते करते। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बात हूँ नहीं हूँ। ये मैं इसमें पत्ती डाल दूँगी, इसको भी मैं साफ़ कर रही थी टिश्यू से एक दफ़ा। अभी मैं आपको सब दिखाती हूँ। एक में मैंने पत्ती डाल दी, एक में नमक डाल दिया, एक में चीनी डाल दी, एक में भुना हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया रख दिया, एक में चाट वो मसाला रख दिया, और मेरे पास और जार्स रखे हुए हैं तो उसमें मुझे चाट मसाला रखना है। और बाकी मैं देखती हूँ क्या रखती हूँ। एक में मैंने बच्चों का सुबह का ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, यानी कि कोको क्रंच वगैरह रखे हुए हैं। हो गया मेरा सारा काम, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम मेरा बाकी है। मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाना है, समोसे बनाने हैं, वनटन बनाने हैं और चटनी बनानी है ग्रीन वाली, इमली का पॉल वगैरह तो मैं अभी निकाल के रख दूँगी। बहुत लंबा ब्लॉक हो रहा था मैंने, चलो मैं बाद में जब कर लूँगी उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगी। बाकी मेरा सारा ऑलमोस्ट हो गया है और बाकी जो काम है वो हाथ के हाथ होने वाले हैं। मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। एक दफ़ा फिर आप लोग को रमज़ान की बहुत 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 सारी मुबारकबाद। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। वाला फ्रेंड मुझे ऑर्डर करना है, मुझे वो मंगाना है। वैसे मैंने मार्केटों में ढूंढा, मुझे मार्केट में नहीं मिला, दराज में मुझे नज़र आया था, तो मैंने कहा चलो मैं इधर से मंगाऊंगी। और मैं ऑर्डर करना ही भूल जाती हूँ, मेरे जहन से निकल जाता है। तो अब जब मैं मंगाऊंगी और जब मैं सेट करूंगी तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। एक तो मुझे ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हुए थोड़ा डर लगता है, क्योंकि होता है ना कभी कुछ मंगाओ तो निकलता कुछ है। और ये मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी, ये मेरी बहन ने दुबई से मुझे भेजा था, ये भी वो जो पीछे बास्केट रखी है वो, और एक फ्रूट्स की वो सब चीज़ें उस मम्मी ने हम लोग को दुबई से भेजी थी, सारी बहनों को भेजी थी, अम्मी के घर भेजी थी, हम सबको ये भेजी थी। तो मैंने ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने कहा रमज़ान से बेस्ट कोई हो नहीं सकता, तो चलो मैं इसमें निकाल लेती हूँ, रमज़ान में ये काम आएगा। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे स्पूनस होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ें ना निकालती रहती हूँ और फिर दूसरी चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। मैं अपनी मासी को दे देती हूँ, जो मेरे हाउस हेल्पर आती है ना, मैं उसको दे देती हूँ ज़्यादातर चीज़ें।
Thank you.